Hello friends, welcome to Maths Academy. Today we are going to start with the new topic, and that is helping verbs. Helping verbs are auxiliary verbs. What are auxiliary verbs or helping verbs? The verbs that are used with the main verbs to make sentences. Right? Main verbs is, am, are वगैरह के साथ जो verbs use होती हैं ताकि हम sentence बना सकें उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. सम ऑफ द ऑक्जिलरी वर्ब्स आर इज एन आर डू डिड कैन मे विल मस्ट शैल. दीज आर ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स और वी कैन से दैट ऑक्जिलरी वर्ब्स विच आर बींग यूज विद द मेन वर्ब्स. नाउ समटाइम्स ऑक्जिलरी वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज एज द मेन वर्ब्स. ऑक्जिलरी वर्ब्स का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स दैट आर यूज विद द मेन वर्ब्स टू फॉर्म सेंटेंसेस. तो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ भी यूज होती है. तो हमारे पास दो तरह की ऑक्जिलरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी ऑक्जिलरीज एंड मॉडल ऑक्जिलरीज. I am thinking of covering it in the two sessions, and in this session, in today's lecture, we are going to see the primary auxiliaries. So, what are primary auxiliaries? These verbs are small in number. Number mein kam hona. What does that mean? Examples are do, have, be. Only three types of primary auxiliaries I have. Do, have, and be. Do, it could be used with the past tense or with the future tense. We have to change the tense of this verb. So do change okay kisme ho jayega? Does or did. Have change okay? Has, had, having. Koi bhi tense ka type ho sakta hai. Past tense, present perfect, past perfect, present continuous. तो हमको उसी तरीके से वर्ब को भी यूज़ करना पड़ेगा. तो प्राइमरी ऑक्जिलरीज के अंदर मेनली थ्री टाइप्स की वर्ब्स हैं, डू, हैव और बी. हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और बी को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बींग. ठीक है. द प्राइमरी ऑक्जिलरीज आर यूज टू फॉर्म, बेसिकली प्राइमरी ऑक्जिलरीज दे आर यूज टू फॉर्म टेंसेस, नेगेटिव्स, क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस. अब इस तरीके की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्राइमरी ऑक्जिलरीज, वो क्या क्या बना सकते हैं? उससे हम लोग टेंसेस बना सकते हैं, नेगेटिव्स बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं और पैसिव वॉइस बना सकते हैं. और कैसे ये इन सब सेंटेंसेस में बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हेल्प करेगी, वो हम लोग अभी इस सेशन में आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि प्राइमरी ऑक्जिलरीज आर यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस. सो हाउ इज इट यूज टू फॉर्म टेंसेस? एग्जाम्पल, शी इज हाइडिंग बिहाइंड दैट कर्टन. आई वॉज वॉचिंग टीवी. सो हियर इज एंड वॉज, दीज आर द प्राइमरी ऑक्जिलरीज. नेक्स्टली वी यूज इट टू फॉर्म नेगेटिव्स. नेगेटिव्स मतलब आई डोंट समथिंग दैट इज सेइंग नो, हैविंग नेगेशन इन इट. आई डोंट टेल लाइज. आई डिडंट वॉन्ट टू ट्रबल यू. नेक्स्टली इट इज यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस. ऑक्जिलरीज आर ऑल्सो यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस. हाउ डू वी यूज दैम एज टू फॉर्म क्वेश्चंस? डिड यू कैच कोल्ड दैट नाइट? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? So did and are, it is used to form questions. How is forming the question? But are is supporting it, just so that the question is of right. So next is to form the passive voice. Examples are, two men were shot dead by the robbers. A new road has been built here. इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी ऑक्जिलरीज. नाउ द प्राइमरी ऑक्जिलरीज सच एज
is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did can also be used as main verbs. हम लोग कह रहे हैं कि ये helping verbs हैं, but इनको हम लोग main verbs की तरीके से भी use कर सकते हैं, these primary auxiliaries. So how could we use them as the main verbs? Examples, let's see it with the help of an example. First is, we have two dogs. अब इसमें verb कौन सी हो गई? Main verb have. Second example, let's see. Second example, Rajesh did the sum in 2 minutes. तो यहां पे did क्या हो गया? फिर से main verb. And one more example I'll give you, that is, the children were happy. यहाँ पे were हो गया main verb. तो इस तरीके से हमने देखा कि these were the primary auxiliaries which were changing according to the person and the number of the subject, right? So in this session, I hope this session was clear and we have seen the primary auxiliaries. In the next session, we will be covering the modal auxiliaries so that the verbs part is clear to you. It is a very important topic of the English, basic English grammar, and I hope this session is clear to you. If you have any questions, any queries, you are free to write in the comment section. I'll be happy to answer. Thank you.